नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और इसे आप लोग कई जगह देखते रहते हैं, न्यूज़पेपरों में भी, और ये अक्सर चर्चा में बना रहता है। पहला है आपका GBA, जिसे आप लोग सकल मूल्यवर्धन कहते हैं, और दूसरा है GDP, जिसे आप लोग सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। तो इसी से संबंधित ही आपका एडिटोरियल लिखा गया है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, इनके बारे में अभी हम लोग काफी जानकारी दे देंगे, लेकिन फिर भी इनके बारे में कुछ ज्यादा ही विस्तार से हम लोग NCERT में पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो भी NCERT है उनके बारे में, इनके बारे में वहाँ बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो आज की इस क्लास में हम लोग मेन रूप से देखेंगे किस संदर्भ में अभी चर्चा में है, और NSO द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़े क्या हैं, सकल मूल्य वर्धन क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है, इसकी संरचना क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, उस पर भी बात करेंगे, और GDP और GBA में मुख्य अंतर क्या है आपका, उसे भी देखेंगे। GBA की चुनौतियां क्या हैं उस पर भी बात करेंगे, और GBA की प्रासंगिकता क्या है उसे भी देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किए गए हैं। NSO के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की दर 4.2% व्यक्त की गई थी, परंतु वित्तीय वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में GDP वृद्धि दर 3.1% तक सीमित रही। यह 11 वर्षों में विकास की सबसे धीमी वृद्धि दर थी। कितनी? 11 वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि दर विकास दर है। NSO के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 की 4 तिमाहियों के साथ ही 2 पूर्ववर्ती वर्षों के तुलनात्मक त्रैमासिक आंकड़ों के आधार पर सकल घरेलू सकल मूल्य वर्धन यानी कि जिसे आप लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि GVA संबंधी अनुमान को भी जारी किया गया। तो बात करते हैं NSO के द्वारा जारी किए गए नवीन आंकड़े। फरवरी 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम 3 तिमाहियों के लिए क्रमशः आपकी 5.4%, 4.8% और 4.5% सकल वर्धन यानी कि GVA वृद्धि दर की संभावना व्यक्त की गई है। इसे आप लोग क्या बोलते हैं? सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं GVA को। ठीक है, हालांकि NSO द्वारा जारी किए गए नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की प्रथम 3 तिमाहियों में गिरावट दर्ज की गई है और संशोधित वृद्धि दर क्रमशः 4.8%, 4.3% और 3.5% का आकलन किया गया है। इसका क्या होता है कि इसकी गणना हर 3 माह में होती है, यानी कि 3 4 12 यानी कि साल को 4 भागों में बांट देते हैं, फिर 3 3 महीने करके इसकी गणना की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में सुस्त प्रदर्शन के कारण फरवरी 2020 में जारी 4.9% की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित करते हुए समग्र वार्षिक GVA वृद्धि दर अनुमान में 1% की गिरावट के साथ 3.9% की वृद्धि का आकलन किया गया है। समग्र वार्षिक सकल मूल्य वर्धन यानी कि GVA वृद्धि दर में संशोधन सेवा क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन का परिणाम है। सेवा क्षेत्र के बड़े भागीदार यथा वित्त, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं की वृद्धि दर में तीव्र गिरावट देखने को मिली हमें। प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही में वृद्धि दर क्रमशः 6.9%, 7.1%
और 7.3% के सापेक्ष गिरावट दर्ज करते हुए 6%, फिर दूसरे में 6% और फिर 3.3% का आकलन किया गया है। वित्तीय रियल एस्टेट व्यवसायिक सेवाएं समग्र जीबीए की गणना में लगभग 1/4 योगदान करते हैं। व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण से संबंधित संचार सेवाओं की वृद्धि दर में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय तिमाही में वृद्धि दर क्रमशः 5.7%, 5.8% और 5.9% के सापेक्ष गिरावट दर्ज करते हुए 3.5%, 4.1% और 4.3% का आकलन किया गया है। व्यापार, होटल, परिवहन और प्रसारण में से संबंधित संचार सेवाएं समग्र जीबीए की गणना में लगभग 20% का योगदान करती हैं। हालांकि नवीन आंकड़ों में कृषि व लोक प्रशासन जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। आखिर बार बार ये जीबीए शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सकल मूल वर्धन क्या होता है? वित्तीय वर्ष 2015-16 से सकल मूल वर्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। सकल मूल वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों यथा आपके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों के द्वारा किया गया कुल अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल होता है। सकल मूल वर्धन प्राथमिक क्षेत्र में आपके जैसे कृषि आ गया, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग धंधे आ गए, फिर तृतीय क्षेत्र में आपका सेवाएं आ गए, ठीक है। अगर हम लोग साधारण शब्दों में कहें तो जीबीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। दरअसल जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद जो राशि शेष बचती है उसे आप लोग जीबीए कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 20 रुपये में ब्रेड का पैकेट बेचती है तो इसे बनाने में 16 रुपये इनपुट और कच्चे माल की लागत के रूप में प्रयोग होता है, तो उस स्थिति में आपका जीबीए का संग्रहण 4 रुपये माना जाएगा, यानी कि सकल मूल वर्धन आपका 4 रुपये माना जाएगा। कैसे निकालते हैं हम लोग, इसे भी देख लीजिए। सकल मूल वर्धन बराबर जीडीपी प्लस उत्पादों पर सब्सिडी और फिर उत्पादों पर कर। सीधा सा मतलब है, आप गैस सिलेंडर लेते हैं ना, तो जीडीपी में से वो आपको जो सब्सिडी मिलती है उसे जोड़ दिया जाता है और जो उस पर कर होता है यानी कि टैक्स होता है उसे घटा दिया जाता है। इस तरह से आपकी सकल मूल वर्धन यानी जीबीए निकल आता है। जीबीए की गणना आधार वर्ष 2011-12 को आधार मानकर की जाती है। एनएसओ सकल मूल वर्धन के लिए तिमाही और वार्षिक दोनों अनुमान प्रदान करता है। यह 8 व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है जिसमें आपका अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कराई गई वस्तुओं और सेवाओं दोनों शामिल होती हैं। इन 8 श्रेणियां इस प्रकार हैं: कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएं, निर्माण, व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं। ये आपकी 8 श्रेणियों में विभाजित है। फिर आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक निर्धारित अवधि उस देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। यह अवधि आमतौर पर 1 साल की होती है, यानी कि उस देश के की सीमा के अंदर जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनके और उनकी सेवाओं का कुल मूल्य ही आपका जीडीपी होता है। विदित है कि जीडीपी के आकलन के लिए मूल्य की आवश्यकता होती है, मूल्य के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। अतः जीडीपी केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रतिबिंबित करता है जो विपणन योग्य हैं और जिनके बाजार हैं। जाहिर है कि जिसका बाजार नहीं होता है उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। इसको समझने के लिए पर्यावरणीय क्षरण का उदाहरण लेते हैं, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन पर्यावरणीय क्षरण की गणना बाजार मूल्य में नहीं की जा सकती, अतः इसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। फिर आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय,
वर्ष 2019 में सरकार ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पीति दर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करने का निर्णय लिया और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के गठन को मंजूरी दी। NSO एक एजेंसी के रूप में NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा निर्धारित सांख्यिकीय मानकों को लागू करने और बनाए रखने के लिए तथा राज्य एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए सर्वप्रथम डॉक्टर सी रंगराजन द्वारा परिकल्पित किया गया है, RBI के पूर्व गवर्नर रहे। ठीक है, संरचना की अगर इसकी बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की अंतर्गत आपकी 4 डिवीजन बनाई गई जो आपकी इस प्रकार है। सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, दूसरी आप फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, तीसरी आपका डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन, चौथी आपकी सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों का कुशल व्यवस्थित और मजबूत करना और मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत कर बेहतर तालमेल स्थापित करना है। यह सांख्यिकीय प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा क्योंकि इन दो निकायों पर नियंत्रण की कमी वर्तमान में एक चुनौती है। यह अन्य देशों के साथ भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को संरेखित करेगा। आखिर GDP और GVA में अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर क्या है, उसे भी देख लीजिए। सकल मूल्य वर्धन पद्धति के अंतर्गत जहां उत्पादक एवं आपूर्ति उत्पादक या फिर आपूर्ति पक्ष की तरफ से आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर पेश की जाती है, वहीं आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता पक्ष या फिर मांग पक्ष के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक गतिविधियां विधियों का अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार सकल मूल्य वर्धन पद्धति पूर्ति आधारित जबकि सकल घरेलू उत्पाद पद्धति मांग आधारित अर्थव्यवस्था को मापने का हमारा एक तरीका है। आखिर GVA की चुनौतियां क्या क्या हैं उसे भी देख लीजिए। सभी प्रकार के आर्थिक आंकड़ों व समग्र राष्ट्रीय उत्पादन की माप के रूप में सकल मूल्य वर्धन की सटीकता आंकड़ों के स्रोत और विभिन्न मानकों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि आंकड़ों के संग्रहण में किसी भी प्रकार की लापरवाही होती है तो GVA की सटीकता निश्चित रूप से प्रभावित हो जाएगी। किसी अनुसूचित या फिर त्रुटिपूर्ण तरीकों के प्रयोग से GVA की प्रभावकारिता नकारात्मक परिणाम प्रदर्शित कर सकती है। GVA के नकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्था की राजकोषीय व मौद्रिक नीति को भी प्रभावित कर देंगे, जिससे मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान भी आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं GVA यानी कि सकल मूल्य वर्धन की प्रासंगिकता के बारे में। GVA को अर्थव्यवस्था का बेहतर मापक माना जाता है। GDP वास्तविक आर्थिक परिदृश्य को मापने में विफल है क्योंकि उत्पादन में तेज वृद्धि उच्च कर संग्रहण व बेहतर अनुपालन के कारण भी हो सकती है। जो वास्तविक उत्पादन की स्थिति को प्रतिबिंबित करे यह आवश्यक नहीं है। GVA 8 व्यापक श्रेणियों पर क्षेत्रवार वर्गीकरण डेटा प्रदान करता है, जिससे नीति निर्माताओं को यह तय करने में मदद मिलती है कि किन क्षेत्रों को प्रोत्साहन की आवश्यकता है और तदनुसार क्षेत्र विशिष्ट नीतियां तैयार की जा सकती हैं। वैश्विक डेटा मानकों और एकरूपता के परिप्रेक्ष्य में GVA किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन को मापने में एक अभिन्न और आवश्यक पैरामीटर है। कोई भी देश जो अन्य देशों से पूंजी और निवेश आकर्षित करना चाहता है तो उसे राष्ट्रीय आय लेखांकन में सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के अनुरूप होना ही चाहिए। तो ये थी आपकी राष्ट्रीय मूल्यवर्धन और सकल घरेलू उत्पाद की कहानी। इसके बारे में हम लोग विस्तार से NCERT में पढ़ेंगे आपके, और इकोनॉमिक्स की NCERT आप लोग पढ़ लें तो बेहतर होगा क्योंकि कई शब्द ऐसे हैं कि जो हम लोग नहीं जानते हैं और हमारे जीवनचर्या में भी वो उपयोग होते रहते हैं, हम लोग उनका डेली उपयोग होते हुए देखते हैं। ठीक है,